आप एक और बात का मुझे जवाब दीजिए। अभी मुझे किसी ने बताया कि अजीत दोवल साहब का बेटा पाकिस्तान के साथ बिजनेस करता है, इस पर आज तक कोई जवाब नहीं देता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा, उसका पार्टनर एक पाकिस्तानी हो, दूसरा यूएई का नागरिक हो, यह प्रश्न तो उठेंगे कि यह क्या बिजनेस है आपकी? आखिर ऐसा क्या बिजनेस है जो बंद नहीं हो सकती, जिस पे उत्तर नहीं दिए जा सकते? यहां देश पाकिस्तान के साथ जूझ रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिजनेस कर रहा है पाकिस्तानियों के साथ। जयचंद हमें बोल रहे हैं आप, इससे बड़ा जयचंद क्या हो सकता है? मुझे जरा इसका जवाब दीजिए। यह देश का अधिकार है जानना कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे के बिजनेस इंटरेस्ट क्या है और वो बिजनेस पार्टनरशिप क्या है। कौन है वो पाकिस्तानी जिससे वो पार्टनरशिप तोड़ नहीं पा रहा? तभी तो लोग कहते हैं मोदी का फुल फॉर्म है एम फॉर मसूद, ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद और आई फॉर ISI। अब ये कसाब का बोलेंगे पुराना हो चुका। जवाब दे ये जयचंद कौन है? एक सेकंड मीनाक्षी जी, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं जयचंद कौन है, तो अब आप बताएं। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ जयचंद कौन है, मगर एक सीरियस नोट, ऑनेस्ट, मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। भूल जाइए कि मैं किस पार्टी का हूँ, ये किस पार्टी के। अभी मोदी का फुल फॉर्म क्या दिया गया? मोदी मसूद अजहर है, मोदी ओसामा बिन लादेन है, मोदी डी से दाऊद इब्राहिम है, मोदी ISI है। इन चारों के पीछे छिप जाते हैं, बार बार छिप जाते हैं, बार बार छिप क्यों जाते हैं उनके पीछे? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोग खड़े होकर शेम शेम एक बार कहिए, खड़े होकर, सब लोग खड़े होकर इसका विरोध करें। देश के प्राइम मिनिस्टर को इस प्रकार नहीं करने दीजिए। आप देश के प्राइम मिनिस्टर को मसूद अजहर बताएंगे? देश के प्राइम मिनिस्टर को मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन? मैं पवन जी से निवेदन करता हूँ। पवन भाई, आप माफी मांग लीजिए। नहीं छोड़िए, नहीं, आप माफी मांगिए। नहीं, आप माफी मांगिए। नहीं, ये बहुत सीरियस इशू है, आप माफी मांगिए। जब उनसे पूछे जाए, ना ना ना, मैं भाग नहीं लूंगा, वरना नहीं, जब तक नहीं, इसमें माफी होगा, इसमें माफी होगा, जवाब चाहिए, माफी, माफी, इसमें माफी होगा, माफी होगा। मेरा प्रधानमंत्री छिपेगा नहीं, मेरा प्रधानमंत्री छिपेगा नहीं, आप माफी मांगिए। मसूद के पीछे छिपेगा? ये भारत कमजोर नहीं है कि बार बार आप इन चारों के नाम से भारत को डराइए? हम नहीं डरने वाले हैं, भारत नहीं डरता, भारत का एक एक नागरिक नहीं डरता।